सीएनबीसी आवाज के स्टूडियो से आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बात होगी आज एक बार फिर से कोविड की, कोरोना की, ओमिक्रॉन की। फैल रहा है कोविड, आपको रहना है बच के, क्योंकि धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे नहीं कहना चाहिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन और रफ्तार एक गुना, दो गुना और तीन गुना हो चुकी है देश के अंदर। आगे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए कोरोना संक्रमितों की ये जो नई लहर है इसमें लाखों लोग संक्रमित हो सकते हैं। ये हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, स्वागत करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं समीर भाटी साहब हैं जो कि सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के और स्टार पैथोलॉजी लैब भी चलाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब के पास चलते हैं। भाटी साहब, अब देखिए दो चीजें हैं, बहुत सारी फटीक जिसको हम कहते हैं कि लोगों ने ना थोड़ा हल्के में लेना शुरू कर दिया है, आप पेंडेमिक फटीक जिसको कहते हैं। देखिए जनता है, जनता का बिहेवियर इसी तरीके का होता है कि मास्क आप पहन नहीं रहे, हैंड सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी, वो सब अभी तो कम से कम नहीं दिख रहा है। तो दूसरी चीज ये है कि अब धीरे धीरे लोगों को ये भी अंदाजा हो रहा है जो खबरें पढ़ते हैं सुनते हैं कि भाई माइल्ड लक्षण आ रहे हैं, एक दो दिन में ठीक हो जा रहा है। क्या लोग टेस्ट भी करा रहे हैं? मतलब आज अगर हमारे यहाँ पे 33,000 का आंकड़ा है तो इसमें से अब जिन्हें लक्षण नहीं आएंगे वो तो टेस्ट यू भी नहीं कराने वाले, वो अगर किसी संक्रमित के संपर्क में भी आ गए हैं तो भी शायद इतनी चिंता ना लें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनको लगे कि हाँ ठीक है, एक दो दिन में तो ठीक ही हो जाएगा, टेस्ट क्यों कराना है, वरना फिर वो 10 तरह की पाबंदी। क्या कहेंगे जो नंबर्स आप टेस्टिंग के हैं, क्या वो और बढ़ने चाहिए या बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं अगर टेस्टिंग वाला आपको ट्रेंड बताऊं दिल्ली में, तो दिल्ली में जिस तरह से 3 लाख टेस्ट करने की कैपेसिटी है अभी फिलहाल हमारे पास, एक तो रैंडम टेस्टिंग होते हैं, रैंडम टेस्टिंग जो हम मार्केट्स वगैरह में, मेट्रो स्टेशन वगैरह में इस तरह से करते हैं। इसके अलावा कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो जो सिम्टोमेटिक होते हैं वो अपने टेस्ट कराने आते हैं, और कुछ एक ग्रुप होता है जिनको किसी न किसी कारण के लिए टेस्ट कराना पड़ता है, या तो उनको डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए ज़रूरत है या इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ज़रूरत है या और किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो फिलहाल मैं कुछ अभी कुछ दिन से डेटा देख रहा था, उसके अंदर जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे थे उसमें काफी हद तक वो वाले पेशेंट्स भी पॉजिटिव थे जिनको किसी ना किसी और रीजन से टेस्ट कराने की जरूरत पड़ रही थी। फॉर एग्जांपल उनको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, या कोई उनको डोमेस्टिक ट्रैवल करना था, या किसी और रीजन से उनको करना था, उन लोगों के भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे, पर उन लोगों में कोई सिम्टम नहीं है किसी तरह का, और वो ज़्यादातर लोग सभी डबल वैक्सीनेटेड थे। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं जिनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर भी वही इसी तरह की सिम्टम्स जो अभी बता भी रहे थे, हेडेक एंड स्क्रैची थ्रॉट, और इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, इस तरह के कंप्लीट सिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बट हाँ, पॉजिटिविटी रेट जिस तरह से 5% के करीब बढ़ ही रहा है डेली, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन डबल हो रहे हैं टेस्ट के अंदर, रैंडम टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रही है। मतलब उन लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता पर उनमें पॉजिटिविटी आ रही है। अब यहाँ पर आ जाता है कि जब हम रैंडम जो असिम्टोमेटिक लोग होते हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है कि वो पॉजिटिव है, तो फिर ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा हमने ये देखा है कि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है उस तरह से बाकी और अदर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं आ रही, कि जैसा हमने डेल्टा वेरिएंट के समय देखा था कि और अदर पैथोलॉजिकल चीज़ें जिसमें हमारे दूसरे टेस्ट CRP, D-dimer, इन सब तरह के टेस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, और इन टेस्ट में कोई किसी तरह की जो है फाइंडिंग्स नहीं देखी गई है, ना ही कोई एक्सरे में कोई निमोनाइटिस और ये सब चीज़ें भी निश्चित तौर पर नहीं देखी गई है। हाँ, पर एसिम्टोमेटिक पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, एक्टिव केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिस तरह से 11 डिस्ट्रिक्ट है, तो 11 जो हमारी जोन्स हैं उनके अंदर 4 हैं जहाँ पर बहुत अधिक जो है पॉजिटिविटी रेट है स्पेसिफिकली। तो वहाँ का अगर हम एनालाइज करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट है जिनमें क्राउड रहता है दिल्ली के उन मार्केट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है कि जो क्राउडेड प्लेसेस है और जहाँ पे मार्केट बहुत भीड़ भाड़ वाले काफ़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो क्राउडेड वाला प्लेस है वो हम लोगों को वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होते हैं और वहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। समीर भाटी साहब से एक क्विक रिएक्शन ले लेता हूँ। समीर जी, शुरुआत हो गई है बच्चों को वैक्सीन लगाने की, करीब 10 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, यानी 1/4 हम समझ लें टोटल बच्चों की पॉपुलेशन के जो 15 से 18 साल में आएंगे, कब तक ये वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा? पहले दिन की रफ्तार तो बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स का, बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, हमने भी देखा वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, इनफैक्ट स्लॉट्स एकदम से भर गए।
काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं बच्चे, और अभी क्योंकि इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो इसलिए बच्चे वॉक इन भी आ रहे हैं। हाँ, बस एक सवाल रहता है थोड़ा पेरेंट्स का कि अभी क्योंकि संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनको थोड़ा बच्चों को लेकर आने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स तक, वो थोड़ा सा एक डेफिनेटली प्रॉब्लम रहती है। और बाकी इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो अभी जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं इसमें एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गई है कि अभी जो हमारा प्रीडोमिनेंट वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है, तो इसलिए हम लोगों को तो अब बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और जैसे देख भी रहे हैं हमारे पास जितने केसेज आ रहे हैं ज़्यादातर वो हैं जो टूरिस्ट प्लेसेज वगैरह पे जाकर आ रहे हैं, जो घूमने गए हुए थे और उसके बाद वो वहाँ पर पॉजिटिव हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी हमारी जो अननेसेसरी ट्रेवल्स है उनको हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है। इतने वेरिएंट आए, आपको एक ही दो तीन चीज़ें हैं सतर्कता रखनी है, आपके पास मास्क है, आपके पास हैंड सैनिटाइजेशन है, जहां तक हो सके आप दूरी भी बना के रखें, वैक्सीनेशन अपना करवाएं। लगातार नए नए वैक्सीन आ रहे हैं, शायद दवा भी खोज ली जाए, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो मुकाबला करना है। और एक ही चीज़ से मुकाबला किया जा सकता है, वो है अवेयरनेस, ज्ञान और समझ, जो कोशिश करते हैं हम कार्यक्रम में देश के चुनिंदा और बड़े डॉक्टर्स को लाके कि सही तस्वीर आपके सामने पेश की जाए। वरना होता ये क्या कि हजारों खबर के मजमे में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं, वो ना हो, अच्छे से समझे कि हमारा मुकाबला किस चीज से है और कैसे हम उससे निपट सकते हैं। यही ज्ञान, यही समझ, यही अंडरस्टैंडिंग हमें इसके खिलाफ लड़ाई जीतने में मदद करेगी। हमारे सभी मेहमानों का आज वक्त निकाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें यहां रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।